तो आंसर क्या बना भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 31, अ कस्टमर इज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑफ बाइंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स विद अ लेस प्राइस ऑफ 2000। भाई देखो ये जो डिस्काउंट होता है ना 25%, ये है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप बल्क में गुड्स खरीदें या जब आप गुड्स खरीद रहे हैं और आप रेगुलर कस्टमर हैं, सही है, आपका सप्लायर आपको लूज नहीं करना चाह रहा, तो आपको क्या देगा? ट्रेड डिस्काउंट। ऐसे ही अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर को भी दिया जाता है। ट्रेडर है मतलब आपकी अपनी दुकान है, आप जो गुड्स खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं और यूज़ के लिए नहीं ले रहे, तो आप मार्केट प्राइस पे नहीं लेंगे, आप होलसेल में लेंगे ताकि आप भी दो पैसे आगे कमा सकें। तो ट्रेड डिस्काउंट ट्रेडर्स के लिए होता है या बल्क बाइंग के लिए होता है, जो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। और ट्रेड डिस्काउंट किस पे अप्लाई होता है? लिस्ट प्राइस। इज गिवन अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% इफ वी पे विद इन 14 डेज। ये जो विद इन 14 डेज विद इन टाइम लिमिट वाला डिस्काउंट होता है, ये कहलाता है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स होती है बेटा, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव। अलाउड कब होता है? जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पैसे देता है, हम उसको डिस्काउंट देते हैं, यह डिस्काउंट अलाउड। और रिसीव कब होता है भाई? जब हमारा सप्लायर, जब हम अपने सप्लायर को जल्दी पैसे देते हैं, तो वो होता है डिस्काउंट रिसीव। आपको बताना है ट्रेड डिस्काउंट कितना मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट आसान है, 2000 पे लगा दो 25%, तो आंसर बनेगा 500। इसी सवाल में अगर आप वो कहता कि बताओ कैश डिस्काउंट कितना होगा अगर उसने पेमेंट कर दी विद इन 14 डेज, पहले क्या करेंगे? ये जो लिस्ट प्राइस दी हुई हमें 2000, पहले तो इस पर आप लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट TD में लिख रहा हूँ कितना परसेंट है, 25%, ये आ रहा है 500। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे लिस्ट प्राइस में से जो अमाउंट बचेगा 1500, अब उस पर लगाएंगे हम कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो लगेगा वो किस पे लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 10%, सही है। तो अगर कैश डिस्काउंट होगा तो 150 होगा, जो किस पे लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट। अगर आप टोटल एक साथ 35% लगा दें तो आंसर गलत हो जाएगा। याद रखो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर जो अमाउंट आता है उसके ऊपर लगता है कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता। हम अगर गुड्स खरीद रहे हैं 2000 की, 500 का डिस्काउंट मिल गया, हमारे लिए परचेज है 1500 और जो सेलर है उसके लिए सेल्स है 1500, वो भी भूल जाएगा 500 उसने हमें डिस्काउंट दिया, हम भी भूल जाएंगे। लेकिन ये कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होगा, सही है ना, 150। तो यहाँ आंसर आ रहा है 500। अगर वो पूछता हाउ मच कैश डिस्काउंट, तो फिर हम लगाते 150। और अगर वो टोटल डिस्काउंट पूछता तो हम लिखते 650 टोटल डिस्काउंट।